स्वतंत्र अभ्युन का नियम, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं दी संकर संकरण के आधार पर मेंडल की अवधारणाएं, यानी हम बात कर रहे हैं मेंडल के तीसरे नियम की, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभ्युन का नियम क्या होता है। चलिए हम समझना शुरू करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि दी संकर संकरण क्या होता है। आप जानते हैं जब दो करैक्टर को लेकर क्या कराया जाता है, दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, दो संकर संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ ऐसे दी संकर संकरण क्रॉस में जैसे क्या क्या लक्षण लिया गया है, पीला और क्या है, गोल, पीला गोल। यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख रहा है कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर का मतलब हो गया राउंड, राउंड का मतलब क्या होगा, गोल। यानी गोल क्या है, एक लक्षण है, किसका लक्षण है, सीड का, उस सीड का लक्षण है गोल। सीड अगर हमारा है तो हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर उसका क्या है, जीन है। दूसरी बात देखेंगे येलो, इस वाई का मतलब क्या होगा, येलो, येलो का मतलब क्या होगा, पीला, यानी उस सीड का कलर कैसा है, पीला है। इसके कंट्रावर्सी यानी विपरीत जो लक्षण लिए जाते हैं वो हमने कैसा सेलेक्ट किया है, यानी मेंडल ने जो सेलेक्ट किया है वो हरा और झुर्रीदार। यानी दो लक्षण यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, एक क्या, सेप, उस सीड का सेप कैसा है, गोल है, उसका विपरीत क्या है, झुर्रीदार। दूसरा लक्षण हमारा क्या है, उस सीड का कलर कैसा है। तो यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो कैसा है, पीला है, और अप्रभावी लक्षण कैसा है, हरा है। तो ये हमारे क्या हो गए, लक्षण हो गए, यानी इन्हीं दो संकर लक्षणों को लेकर क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया है। अब हम आगे देखते हैं, जब इनको क्रॉस कराया गया तो क्या होता है कि F1 पीढ़ी में हमें जो देखने को मिलता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, संकर पीला गोल, संकर पीला गोल। यानी F1 पीढ़ी में जो पौधे देखने को मिलते हैं वो सभी पौधे कैसे होते हैं, पीला और गोल होते हैं। अब देखिए इनसे हमें क्या बनाना है, जीनोटाइप से हमें गैमीट बनाना पड़ेगा। तो गैमीट बनाने का एक आसान तरीका हमने यहाँ पर दिया है, आप गैमीट बनाना है तो जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर आप ले लीजिए, उसके सामने जो है वाई, कैपिटल स्मॉल वाई लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं चार प्रकार के गैमीट बनेंगे। यानी दो संकर संकरण क्रॉस में चार प्रकार के गैमीट बनते हैं, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए अब क्या कराया गया है, अब क्रॉस कराया गया है, क्रॉस कराने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखना है कि कितने प्रकार के पौधे मिलेंगे। याद रखिए हमें शुरू में, हमने जो शुरू में लिया है वो हमें जो पौधे मिलते हैं यानी उनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, शुरू के गोल और पीले हैं, हरा और झुर्रीदार हैं। लेकिन संकरण के बाद क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। जब इसको संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो आप देख रहे हैं गोल और पीला, ये हमारा क्या है, प्रभावी लक्षण होता है, और क्या है, हरा और झुर्रीदार, यानी हरा और झुर्रीदार, ये यानी ये दो सीड क्या होते हैं, इन्हीं को लेकर क्रॉस कराया गया था। लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ ऐसे पौधे देखने के मिलते हैं जिनके सीड कैसे होते हैं, हरे होते हैं, और क्या होता है, यहाँ पर देखिए हरा होता है, गोल होता है। देखिए हमने जो सीड लिया था वो तो हरा झुर्रीदार लिया था, पीला और गोल लिया था, लेकिन पौधे संकरण के बाद जो सीड देखने को मिलते हैं एडिशनल, वो कैसा हो जाता है, कुछ अलग, हरा और गोल होता है, पीला और क्या होता है, झुर्रीदार होता है। यानी ये कहाँ से आ गया, तो ये जो है नई प्रजाति की सीड बने हैं। नई प्रजाति की सीड कैसे बने हैं, इस बात को हमें समझने के लिए स्वतंत्र अभ्युन का नियम दिया गया। तो आपको हम बता दें जो नई प्रजाति के सीड यहाँ पर आए हैं वो कौन कौन से हैं, हरा और गोल हैं, पीला और झुर्रीदार हैं, जो कि इनके पेरेंट्स में नहीं थे, लेकिन ये क्या हो गए, क्रॉस कराने के बाद हमें देखने को मिल गए। तो यही तो स्वतंत्र अभ्युन का नियम होता है। कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि हर एक गैमीट बोले तो जीन, जो जीन यहाँ पर दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, एक जीन ही तो है। यानी कैपिटल आर, ये क्या है, राउंड का जीन है। यानी ये आर क्या है, एक जीन है। कैपिटल वाई क्या है, ये भी एक जीन है। और इनको
आप गैमेट भी बोल सकते हो, यानी जीन भी बोल सकते हो, गैमेट भी बोल सकते हो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीन और गैमेट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए शुरू में हमारे क्या था, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई था, ये हमारे पास क्या थे, जीन थे, ठीक है। और कौन से जीन थे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जीन थे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संकरण कराने के बाद जो हमें नया लक्षण देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर बात करें हरा और गोल की, कैप स्मॉल आर कैपिटल वाई, और क्या होता है कैपिटल वाई मिल जाता है हरा और गोल में। दूसरा हरा हम गोल देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, हरा गोल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहीं पर देख लीजिए यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर क्या है स्मॉल वाई है। तो कहने का मतलब ये होता है, ये जो गैमेट, ये जो जीन होते हैं ना, ये जीन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के साथ क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अब जिनके साथ जुड़ेंगे उसी प्रकार के क्या दिखाएंगे, लक्षण दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जीन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ भी, चाहे वो प्रभावी कारक हो चाहे अप्रभावी कारक हो, वो हर किसी के साथ क्या सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, यही स्वतंत्र अभिगुण का नियम होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, स्वतंत्र अभिगुण का नियम किसके लिए लगाया गया है, तो जीन के लिए लगाया गया है। जीन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी के साथ भी वो कंबाइन करके अपना प्रोडक्ट यानी अपने लक्षण को वो क्या सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि तो द्विसंकर क्रॉस संकरण के आधार पर मेंडल की क्या है अवधारणा, यानी इन्हीं को लेकर क्या दिया गया, स्वतंत्र अभिगुण का नियम दिया गया। मेंडल के द्विसंकर संकरण निष्कर्ष को सन 1901 में कारंस ने मेंडल के तृतीय नियम के रूप में, अगर तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम कौन सा होता है, स्वतंत्र अभिगुण का नियम होता है, स्वतंत्र अभिगुण का नियम होता है। इसे क्या कहते हैं दूसरा भाषा में, देखिए फ्री क्या है, रिकम्बिनेशन मतलब किसी के साथ मिलना, पुनः मिलना, ऐसा कम्बिनेशन या नियम कह सकते हो। तो स्वतंत्र अभिगुण का नियम क्या होता है, अब हम इसको पढ़ने चल रहे हैं। अब देखिए स्वतंत्र अभिगुण के नियम, इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण, लक्षण का मतलब क्या हो गया, यानी जो उसका गोल है ना, उसकी शेप की साइज है, उसके शेप कलर जो है, यही लक्षण होते हैं। लक्षण क्या, लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि प्रभावी से ही मिलेगा, प्रभावी अप्रभावी से भी मिल सकता है, वो यही बात वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रभावी कारक दूसरे के अप्रभावी कारक से नहीं बल्कि प्रभावी कारक से भी मिल सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रभावी कारक से ही मिलेगा, यानी जीन, जो जीन प्रभावी है ये जरूरी नहीं कि वो प्रभावी जीन से ही मिलेगा, जो जीन प्रभावी है वो अप्रभावी जीन से भी मिल सकता है, ये बात ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागत से पूर्णतया क्या होती है, स्वतंत्र होती है, यानी जो लक्षण है वो क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, किसी के साथ भी क्या है जुड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।